आलोक, मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। क्या? और तुमने हाँ भी कर दी? आलोक, मैं क्या करती? मेरे पापा मर जाएंगे लेकिन इंटरकास्ट शादी कभी नहीं करने देंगे। इंटरकास्ट शादी तो मेरे घर वाले भी राजी नहीं होंगे। क्यों ना हम भाग चलें? आलोक, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कानपुर में मेरी जॉब लगी है। हम लोग वहां जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। ओके। मैं तुम्हें फोन करूंगा कि हमें कब निकलना है, और हाँ, तब तक हम लोग मिलेंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, तुम अब निकलो। किसी ने हम लोगों को देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। Love you too. ये है हमारा नया घर। हाँ हाँ, अब हम लोग कोर्ट मैरिज करके यहीं पे रहेंगे। अच्छा, कैसा है घर? भाई, कौन है ये? हाँ, क्या सोचने लगा तू? तू भी ना बहुत बड़ा हा? कमीना है। हाँ, कमाल है यार। अबे क्या देख रहा है अभी? अरे यार, इन सब भाभियों के चक्कर में मत पड़। अपने पास एक से एक आइटम है, दिलवाता हूं ना मैं तुझे कोई नहीं। भाई, इसमें जो बात है ना, वो दूसरे आइटम में नहीं। क्या गरम माल है यार, उसकी फिगर देख। फिगर यार, फिगर तो इसका सही में कमाल है। भाई वो सब छोड़, अपने को एज चाहिए। चल कुछ दिमाग लगा के। चल चल।
क्या तुम भी क्या सुबह सुबह शुरू हो गए? देखो तुम्हें अच्छा लगा ना, तुम कुछ तो कहो। हाँ, वैसे तुम जो मेरे साथ हो तो फिर मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो ना। कंपनी ने 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुंबई भेजा है। क्या, हमारी नई नई शादी हुई है और तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो? एंड यू नो मैं यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ। बेबी केवल 2 महीने की बात है और बाकी संडे सैटरडे तो मैं आता ही रहूंगा और बाकी मैं वीडियो कॉलिंग भी करता रहूंगा। और पता है अपने पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं और अगर कोई परेशानी होगी तो मुझे फोन करना। ओके ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? और अपना ध्यान भी रखना और अगर कोई परेशानी होगी तो फोन करना। सैटरडे को मैं आता हूँ, ठीक है? बाय। अरे आलोक भाई कहाँ? कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। बढ़िया। वापस कब तक आना होगा? कुछ अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओके चलिए, बेस्ट। थैंक यू। हैप्पी जर्नी। आपकी सफर मंगलमय हो। धन्यवाद। वहां देख, वहां। हाँ वो वह देख वहां। कहां? चल वहां चलते हैं। चल हाँ आया। चल आजा। क्या हुआ फिर आज? तो किस बारे में इतना सोच रहा है? आलोक घर से बाहर गया है। तेरे कहने का मतलब क्या है? समझ जाना। साले हरामी, तू नहीं सुधरे। तू नहीं सुधरेगा ना। बता। मेरी बात सुन। तुझे बोला ना मैं, तुझे यार एक से एक आइटम दिलवा दूंगा मैं। तू छोड़ना यार ये सब चक्कर में। ऊपर से वो मैरिड है, कहीं उल्टे सीधे चक्कर में फंस गए तो लाइफ छंट हो जाएगी। बड़ा भाई समझ के तुझे एक बाबा का ग्रंथ सुनाता हूं। भाभियों में जो मजा है ना, वो लड़कियों में कहां। साले बहुत हरामी है तू। एक बात बता, आलोक का बैग देखकर तुझे क्या लगता है कितने दिनों के लिए गया होगा वो? कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए गया होगा। 1-2 हफ्ते के लिए। तो क्या वही सोच रहा है जो मैं सोचने का ट्राई कर रहा हूं? भाई प्लीज आ, कुछ करना, अपना दिमाग लगा, भाई के लिए कुछ कर। भाई भाई ये आखिरी तू सोच ले, ये साल की मेरी बर्थडे गिफ्ट, इसके बाद तुझे कुछ नहीं कहूंगा पक्का। साले लॉकडाउन में भी गिफ्ट लेगा ना है? चल मेरे पास वैसे एक आइडिया है। हाँ? थोड़ा रिस्की है पर सेफ है। सुन ठीक है।
क्या बात है भाई, मेरे लिए तो जान हाजिर है मेरी जान। चले वर्षा, वर्षा, वर्षा तुम किधर हो? वर्षा, वर्षा शायद किचन में होगी। वर्षा, 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 वर्षा कहाँ चली गई? वर्षा, वर्षा पता नहीं, फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं कहाँ गई, कुछ ऐसा वैसा ना हो गया। वर्षा, वर्षा फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये क्या? वर्षा, पुलिस को फोन करना पड़ेगा। हेलो सर, मेरी बीवी 2 दिन से गायब है जी। 48 आवर्स के बाद फोन करूं जी? ओके सर, ओके, ठीक ठीक। फोन लग क्यों नहीं रहा है? सर मेरा नाम महादेव वर्मा है, मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा सर, मेरी बेबी गायब हो गई है। तो आपको रिपोर्ट लिखानी है ना, उसके लिए आपको 48 आवर रुकना पड़ेगा। सर मैंने 2 दिन पहले फोन किया था, 48 आवर्स हो गए। ओके जी सर, चलो देख लेते हैं। सर 4 महीने से। और आपकी आखिरी बार आपकी बेबी से बात कब हुई थी? 1 हफ्ते पहले बात हुई थी मेरी। अच्छा सर, 2 दिन पहले मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो फिर आया, दरवाजा खोला तो देखा वर्षा है ही नहीं सर। तो फिर मैंने पुलिस चौकी में फोन किया तो उन्होंने कहा कि 48 आवर्स के बाद फोन करना, आपकी तब रिपोर्ट लिखी जाएगी। सर देखो सर, हम बहुत परेशान हैं सर, प्लीज सर ऐसा बोल रहे हैं, और ऊपर से सर हम लोग नए हैं सर। अरे सन्नी भाई, आलोक भाई, आप कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, लेकिन आप इतना जल्दी कैसे आ गए? आप तो 2 हफ्ते बाद आने वाले थे। ट्रेनिंग पूरी हो गई तो मैं आ गया, तो अभी 2 दिन पहले आया हूँ। वो ये सर यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना? वर्षा 2 दिन से गायब है सर, इंक्वायरी के लिए आए हैं। क्या भाभी को क्या हुआ? पता नहीं कहाँ है, 2 दिन पहले फोन चालू था, अब फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, उसी के लिए मैंने रिपोर्ट लिखाई थी सर, सर इसीलिए आए हैं। आलोक जी, मेरी तरफ से आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो बताना। और ठीक है, राज भाई कहाँ है? राज भाई वो कुछ काम से बाहर गए हैं, वो आएंगे कुछ 1-2 दिन बाद। ठीक है चलिए, ठीक निकलता हूँ मैं। ये कौन था? ये सनी है, मेरे पहचान वाला आदमी। आप लोग जा रहे थे तो किसी को बताया था क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ इतनी किसी से घनिष्ठ संबंध नहीं है। हाँ जाते टाइम पे सनी भाई और राज भाई मिले थे तो मैंने उनको बोला था। ठीक है ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ठीक, देख लेना सर। नमस्ते सर। ओके ठीक है।
नमस्ते। राज, राज, राज। अरे क्या है बे? अबे साले वो आलोक ने पुलिस कंप्लेन कर दी है। वो तो होना ही था। अबे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 2 दिन से मेरे पीछे पड़ी है, मेरे ऊपर नजर रखी है, जैसे तैसे करके मैं तेरे पास आया हूँ। और साले तेरे बोला था मैंने बाहर निकले, मना किया तेरे को मैंने। अबे साले मेरे वजह से हुआ है क्या? तूने काट क्यों किया ये सब? सब तेरी वजह से हुआ है। मतलब ये सब गलती मेरी हो गई? मजे भी तूने लिए, आइडिया भी तेरा था। इस वक्त लड़ने से अच्छा है कि इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोजे। अब क्या करें हम लोग? चल एक काम करते हैं, ये साली इसको मार देते हैं। साले तू पागल हो गया है क्या? हर बात पे मार देते हैं, मार देते हैं, मार देते हैं। इसको मारेंगे तो फांसी हो जाएगा हम लोगों को। सबसे अच्छा मेरे हिसाब से यही रहेगा कि हम इसको छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। 2-3 साल में ये मामला खत्म होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देख अपने गुस्से पे काबू रख, मेरी बात सुन। चल सामान पैक करते हैं, चल। आलोक, 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 आलोक। चल 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 निकल, चल 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 जल्दी। हाँ सर बैठ। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने क्या किया सर? सर मैं तो छोड़ने आया था सर। मैं तेरे को बाद में देखता हूँ। सर नहीं, जा अंदर देखो। सर जा, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो छोड़ने आया था सर। वर्षा, क्या हालत बना रही कमीनों ने। वर्षा, वर्षा, कमीनों, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। मेरी वर्षा का साथ। आप बैठिए, कानून को हाथ में रख लीजिए। आप बैठिए, मैंने कहा ना आप बैठिए। अरे तू बोलेगा कि मैं अपनी तरफ से बुलवाऊं? हाँ, दोनों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए, ले जाओ इन दोनों को यहां से।